हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या लिखा हुआ है। दो मित्र क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% वे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे एवं शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपये अधिक मिला, तो कुल कितना लाभ हुआ ये ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें किस बारे में बात कर रही हैं, लाभ के बारे में, शेष लाभ, 50% लाभ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि लाभ जो है वही 100 रुपये है, ठीक है। कि माना जो कुल लाभ है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब कुल लाभ अगर 100 रुपये है तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 50% हिस्से को बराबर बराबर बांट लिया। तो लाभ का 50% भाग, तो लाभ का 50% भाग ये कितना होगा, यानी x का 50%। इसका मतलब x गुना 50/100, तो ये कट गया दो बार में, ये एक, यानी x बटा दो। इतना रुपया जो है वो क्या है, ये 50% भाग को क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। तो बांट देते हैं, यानी कि x बटा दो भाग को दोनों ने बराबर बांटा, बराबर बांटा। अब जब इसको बांट लिया तो प्रत्येक को कितना मिला, तो प्रत्येक ने पाया, आधा आधा बांटेंगे यानी कि x बटा दो का आधा हिस्सा बटा दो, यानी कितना हो जाएगा, ये x बाय दो और यहाँ पे गुना ये 2/1 हो गया, यानी 1/2, इट मीन्स x बाय फोर। इतने रुपए को क्या किया, दोनों ने बराबर बराबर करके बांट लिया, ठीक है। एक को एक x बटा चार मिला और दूसरे को भी x बटा चार मिला, अभी आधा है। और बाकी बचा हुआ जो 50% भाग है उसको क्या किया उन्होंने, मूलधन के अनुपात में बांटा। तो इनका मूलधन, तो दोनों का मूलधन, चलिए अब मूलधन पे करते। तो प्रथम कौन है, ये मित्र का मूलधन कितना है, 40,000 रुपये। और वहीं दूसरे मित्र का मूलधन कितना है, 50,000 रुपये। ओके, तो अनुपात, अब मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 40,000 अनुपात 50,000, यानी 4:5। ओके, तो इस अनुपात में वो क्या करेंगे, बाकी बचे हुए शेष, मतलब शेष लाभ को वो बांटेंगे। तो शेष लाभ कितना है, x बटा दो 50% है और बचा हुआ हिस्सा भी x बटा दो ही है। तो शेष लाभ को उन्होंने क्या किया, अनुपात में बांटा। तो शेष लाभ यानी x बटा दो रुपए को दोनों ने मूलधन के अनुपात में बांटा, मूलधन के अनुपात में बांटा। अब जब मूलधन के अनुपात में इसको बांटा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो पहले मित्र ने पाया कितना पाया, ये हम अनुपात हमारे पास है, यानी कि 4/, पहला मित्र का 4 है, कितना, 4/4 + 5 = 9, ये गुना x/2, ठीक है। तो x/2 का 4/9 भाग, यानी कि यहाँ से ये कट गया 2, यानी कितना हो गया, ये 2x/9 रुपीज़, ये रुपया पहले मित्र को मिला। अब वही दूसरे मित्र का निकालते हैं, दूसरे मित्र ने पाया, कितना पाया, उसने 9 में से 5 पाया, किसका, x/2 का, यानी कि ये हो गया क्या, 5x/18 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, x/2 भाग को इन्होंने मूलधन के अनुपात में बांट लिया, ओके, और x/2 भाग को इन्होंने यहाँ पर क्या किया, बराबर बराबर हिस्सों में बांटा। अब हर एक को, अब देखते हैं कुल कितना मिला है दोनों को, उसके बाद फिर समीकरण बनाएंगे। तो पहले मित्र को मिला कुल
लाभ कितना मिला? तो पहले मित्र को यहाँ पे मिला 2x/9 और उधर मिला था x/4, ऐड कर देना है अब। तो ये हो गया क्या, 9 चौक 36 और यहाँ पे 4 दूनी 8x और प्लस 9x, यानी 9 8 17x/36। ठीक है, इतने रुपए पहले मित्र को मिले टोटल, और दूसरे को कितना मिला है? दूसरे मित्र को मिला कुल लाभ बराबर 5x/18 प्लस x/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। प्रथम साथी को द्वितीय साथी की अपेक्षा 800 रुपये अधिक मिला। अधिक कैसे मिलेगा? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सवाल में थोड़ा गलती है। गलती क्या कि प्रथम साथी को दूसरे की अपेक्षा 800 अधिक नहीं, 800 कम लाभ मिला। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कम होगा। तो कुल कितना लाभ हुआ? ये कुल लाभ नहीं निकालना है, आपके बुक में जो आंसर है वो प्रथम साथी को कुल कितना लाभ हुआ उसके बारे में पूछा है। ठीक है, प्रथम साथी का लाभ, प्रथम साथी को कुल कितना लाभ हुआ है? ओके, अच्छा, तो हम इसी हिसाब से करते हैं कि 800 रुपये जो है वो उसको कम लाभ हुआ। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते दूसरे मित्र का लाभ, ये हमने किया, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 18 दूनी 36 और 10x प्लस 4 नवा 36 यानी 9x बराबर हो जाएगा 19x/36, इतना रुपए। ओके, तो हमने निकाल लिया प्रथम मित्र को कुल कितना लाभ हुआ और दूसरे मित्र को कुल कितना लाभ हुआ। और हमसे क्या कहा गया सवाल में कि दूसरे मित्र को, मतलब पहले मित्र को दूसरे मित्र से 800 रुपये कम लाभ हुए। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि 17 जो है कम है, 19 ज़्यादा है, तो पहले को कम हुआ होगा। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कैसे करेंगे? तो ये हो गया 19x/36, इसमें से अगर हम 17x/36 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 800 आ जाना चाहिए। ओके, तो क्योंकि ये ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो दोनों में अंतर कितना है? 800 का है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 36, ये 19x/17x/800। तो अब ये हो गया 2x, 36 को लेके चले जाते उधर, तो ये हो गया 800 × 36, x बराबर हो गया 800 × 36/2। ठीक है, ये क्या है? ये है कुल लाभ, इतना रुपया जो है ये है कुल लाभ। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते तो ये कितना आ जाएगा? 2 से कट गया यहाँ पे, 18, 18 8 144, 0 0, इतना रुपया जो है ये क्या है? x है, यानी कि कुल लाभ जो है वो कितना है? 14,400 रुपये। ओके, ये कुल लाभ हो गया। अब क्या पूछा है? प्रथम साथी का लाभ कितना है? तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम मित्र को मिला लाभ बराबर, यहाँ पर प्रथम मित्र को कुल लाभ कितना मिला था? 17x/36। तो यहाँ पे लिख देंगे 17x/36। अब x की जगह पे हम लिखेंगे 14,400, तो 17 × 14,400/36। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा कितने बार में? 36 से 4 बार में, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 बार में, और ये 400 यानी 17 6 68, इतने रुपए जो है वो प्रथम मित्र को मिले। और यही जो आंसर है ये आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही आप दूसरे मित्र का निकाल सकते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा? 19x/36, x की जगह 14,400 निकाल लीजिएगा, कोई नहीं, प्रैक्टिस पर ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है। पूजा, उत्तम और मिहिर क्रमशः 5,000, 7,000 व 10,000 रुपये मूलधन लेकर एक साझा व्यवसाय आरंभ किए एवं यह शर्त रखे। पहला शर्त क्या है? देखिए, व्यवसाय चलने का मासिक खर्च 125 रुपये, हिसाब किताब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को 200 रुपये मासिक दिया जाएगा। ओके, वर्ष के अंत में 6,960 रुपये लाभ हुआ, तो किसको कितना मिलेगा?
तो वेबसाइट चलाने के लिए चलाने का मासिक खर्च 125 रुपये और पूजा और उत्तम को 200 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ष के अंत में मिला है, ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ इतना हुआ। तो अब एक एक करके देखते जाते हैं। तो चलो सबसे पहले कुल लाभ 6,960 रुपये। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, एक एक करके जो खर्चा है उसको निकाल देना है, उसके बाद हम देखेंगे मूलधन के अनुपात में किसको कितना मिला है। ओके, तो पहले व्यवसाय चलाने का मासिक खर्च, तो व्यवसाय चलाने का मासिक खर्च कितना है, 125 रुपये। अब ये महीने का है, एक वर्ष का खर्च निकालते हैं, तो एक वर्ष में कुल खर्च यहाँ पे कितना हो गया, 12 × 125। तो ये हो गया 12 × 25 = 60, 12 × 2 = 24 + 6 = 30, 12 × 3 = 15। तो इतने रुपए जो है ये क्या हो गया, पूरे साल भर का खर्चा। अच्छा, अब हिसाब किताब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को 200 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पूजा को मासिक खर्च कितना मिल रहा है, 200 रुपये। तो वर्ष में कितना मिलेगा, तो एक वर्ष में, तो वार्षिक खर्च कितना होगा, 12 × 200 यानी कि 2,400 रुपये। और यही 2,400 रुपये इसको भी मिल रहा है, उत्तम को भी मिल रहा है, और उत्तम को भी 2,400 रुपये वार्षिक मिला। तो ये जो सारा पैसा है ये सब कहाँ से जा रहा है, लाभ से जा रहा है। तो कुल खर्च निकाल लेने के बाद वर्ष के अंत में बचा लाभ। अब लिखते हैं क्या कि कुल खर्च निकाल देने के बाद वर्ष के अंत में बचा लाभ। अब ये कैसे होगा, तो लाभ कितना है, 6,960 रुपए, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,500, 2,400 और 2,400। ओके, तो अब निकालते हैं कितना हो जाएगा, 6,960 माइनस यहाँ पे 24 × 48, 4×4 = 8, 5 = 13 और 6 इतने रुपए। तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ से दिख ही रहा है 660 रुपए बचेंगे, ठीक है, 660 रुपए शेष बचा। अब ये जो 660 रुपए हैं ये क्या होगा, ये होगा इनके मूलधन के अनुपात में बटेगा, ठीक है। तो अब तीनों के मूलधन का अनुपात, पूजा उत्तम और मिहिर, 5,000, 7,000, 10,000। तो पूजा उत्तम अनुपात मिहिर बराबर 5,000, 7,000 और 10,000, ठीक है। अब यहाँ से अनुपात ये हो गया, ये 10 रहेगा, यहाँ हो गया 5:7:10। तो ये हो गया क्या, इन तीनों के मूलधन का अनुपात। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं मूलधन का अनुपात। ओके, अब इस मूलधन के अनुपात से बांटने पर 660 रुपए किसको किसको कितना मिलेगा, तो अब पूजा को मिला शेष लाभ का भाग कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 5 × 7 = 12, 10 = 22 × 660, तो 22 × 66, तो यहाँ हो गया 5 × 15 यानी 150 रुपये यहाँ से मिले। अच्छा, उत्तम को, ये उत्तर कहीं कहीं आ रहा है बार बार, उत्तम को
मिला शेष लाभ का भाग कितना होगा? 7/22 गुना 660, यानी ये हो गया 30, तो ये हो गया 7 × 21, यानी 210 रुपये। और मिहिर लास्ट में बच जाते हैं, तो मिहिर को मिला शेष लाभ का हिस्सा कितना है यहाँ पे? 10/22 गुना 660, तो 22 से इसको काट देते हैं, 30 हो गया, तो यानी कि ये हो गया कितना? 10, 300 रुपये। ओके, अब हमें क्या कहा गया है कि कुल कितना कितना मिला है सबको, है ना? तो किसको कितना रुपया मिला है, तो किसको कितना रुपया मिला ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो जो जिसको मिला है वो जोड़ते चले जाएंगे। जैसे पूजा को 2400 रुपये भी मिले और यहाँ पर 150 रुपये भी मिले, तो पूजा का कुल लाभ, तो पूजा का कुल लाभ यहाँ पे हो गया 2400 + 150, यानी कि 2550 रुपये। उत्तम का कुल लाभ बराबर 2400 + इसको कितना मिला? 210 रुपये, 210 बराबर यानी कि 2610 रुपये। ओके, और मिहिर, मिहिर का कुल लाभ कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ओके, तो ये आंसर और ये आंसर। ठीक, तो इस तरह से हुआ आपका चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म हो चुका। अब बाकी के जो शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।